ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े, स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट। हाँ, छात्र पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपना मौसा मामा फूफा का बेटा को नौकरी बांटेंगे। आप नौकरी बांटेंगे यूपी बिहार एमपी वालों को? छात्र तो पढ़िए रहे, कौन नहीं पढ़ता है? बुलाइए, बताइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर है, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, वन टेबल वन डिस्कशन वन टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हम लोग। आप बेवकूफ है, शरम नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 740 नीति क्या है। बयान देता है 740 नीति तो क्या है, कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं, तो बिना नीति के अगर ले रहे हैं तो यही बोलती है 740 नीति तो क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं? क्योंकि 740 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को, झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ के रखे। 740 नहीं है, शरम मंत्री को शरम भी नहीं आता है तो क्या है बताइए। यदि 740 नहीं है तो 1200 मास्टर ये घास छीनने आया है। कुछ नेता विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि जयराम मातो ऐसे लोग ऐसे जगह ऐसे क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं जहां स्थानीय विधायक, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? स्थानीय तक चुमा लेंगे उन लोग को। स्थानीय विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं। कौन है किए? देश के गृह मंत्री यहाँ आते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं। हाँ, चाहे भाषा में आते हैं और खद्यान भारी स्थायी नीति को जो लेकर जो गलत मतलब बयानबाजी देख जाते, फिर भी आपका मौन रहता ना, कोई धरना पर कब नहीं कहे? हमें तो हमेशा टारगेट में रखा है। अडानी को तब मोदी जी का बेटा घोषित किए, कहाँ सुने आप लोग? पूरा सुनिए, हमने तो स्पष्ट कहा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह का बेटा बेटा वो क्या जाने का दर्द? अमित जैसा डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई है, कब नहीं बोले, खुल के बोले हैं। रमेश बेस चल गए कि जो स्थानीय नीति यहाँ जो 32 के आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के जो बांटने का नीति है वो कहकर चले गए। लेकिन आपके आपका जो आपके पार्टी के लोग हैं राजभवन के समक्ष धरना भी तक एक मतलब धरना भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति एक अलग विषय है, प्रधानमंत्री अलग विषय है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा अध्ययन चल रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वरूप होता है, इसीलिए बकाने से नहीं होगा, सबको घेरेंगे। और अभी जो माननीय रमेश बेस जहां भी गए हैं हमारे महामहिम, वहां महाराष्ट्र में गए हैं। जाके पूछिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मराठी मानोस। तो ये लोग केवल झारखंड में दोहरी नीति स्थापित करते हैं, और किस बीजेपी की आप बात करते हैं? हम तो खुले मंचों में कहते हैं बीजेपी यानी यूपी बिहार के वोटर को झारखंड में स्थापित करना। बीजेपी की विचारधारा धार्मिक है, झारखंड की विचारधारा कल्चरल है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। चाहे कोई जाति रहे कोई धर्म रहे, मांदर की थाप में जीता है थिरकता है नाचता है गाता है। और बीजेपी क्या चाहती है? धार्मिक आइडेंटिटी। उसके विचारधारा से विपरीत है हमारी विचारधारा। 740 यही तो सबसे बड़ा मजाक का विषय है कि जब 72 विधायक समर्थन दे दिए तो फिर आप किस आधार पर इस नीति को अनुपालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मीडिया बंदों के माध्यम से इन स्वयं हुक्मरान को चेताना चाहेंगे कि आज तो लोग सड़क पे हैं, आज लोग सड़क पे हैं। जब इनका इसी प्रकार 36 समय 1200 मास्टर बाहर का, 107 में 50 को वकील 50 प्लस वकील बाहर का, 263 में 100-150 प्लस इंजीनियर बाहर का, तो झारखंड के लोग जब तीता जाएंगे बिसा जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? ये चुप रहेंगे? अरे हुक्मरान, वोट हमने दिया है, शहादत हमने दिया है, कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जमीन हमने दिया है, तो नौकरी हमारा है, इसमें क्या गलत है? आंध्र प्रदेश भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार 7% जब करता है थर्ड फोर्थ ही नहीं, अपने राज्य की नाम वाली जैसे झारखंड में जेपीएससी जीएसएससी, तो तेलंगाना और जो भी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 371 का प्रोविजन है, वो 7% राज्य की नौकरियों को रिजर्व करता है। तो बताइए हम कौन सा विशेष मांगे? हम तो थर्ड फोर्थ की बात किए हैं, अभी हम लोग तो राज्य स्तरीय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बात ही नहीं किए हैं। तो ये राज्य क्यों बना है, किसके लिए बना है? क्या किसी ने इस राज्य की दशा को देखा?
12 से 14 से मास्टर बाहर गएगा, 1 लाख 2 साल में पेमेंट उठाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, भुखमरी से मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दामोदर नदी का प्रदूषित पानी को पी के मरेंगे। तो भाई क्या गलत है? अभी देखिए वो चचा है महाराष्ट्र से, हम लोग से रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा हम लोग को जगह दीजिए जाने का। तो हम पूछे कि अगर महाराष्ट्र मराठी का कोई दिक्कत, बोला नहीं मराठी मानस का है पहले, झारखंड झारखंड ही का है। लेकिन चूंकि समस्या ये है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि खनिज संपदा से परिपूर्ण जो राज्य है, यहाँ के मूलवासी आगे बढ़े, अपने साधन संसाधन पर नियंत्रण करे और शासन प्रशासन को कंट्रोल करे, ये लोग नहीं चाहते। आज जब कोयला का प्रभात खबर में छपता है 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना चोरी होता है, तब डीसी और एसपी क्या कार्रवाई करते हैं? कितने टॉप मोस्ट कोल माफिया को अरेस्ट करते हैं? कुछ नहीं कर पाती है। जब छात्र आंदोलन कर रही है तो तरह तरह के साजिशें, तरह तरह के भ्रमित फैलने वाली बातें। आदरणीय माननीय जितने भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश रहेगा कि अभी तो आंदोलन कर रहे हैं, जब कुछ नहीं बचेगा, अब देख रहे हैं पहाड़ भी उनका, जंगल भी उनका, नदी का पानी उनका, सुने कि नहीं, पंचायत डैम का पानी बीएसएल का और स्वर्णरेखा का नदी पानी टाटा का, सुने कि नहीं पेपर कटिंग के माध्यम से, पानी भी उनका, तो झारखंडी खून पिएगा क्या, तो किसका पिएगा बताइए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।